हाय हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर यानी कि चैप्टर 7 में आपको टोटल 4 चीजें पढ़नी है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल, परम्यूटेशन और फिर कॉम्बिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक्सरसाइज 7.1 है, फैक्टोरियल एक्सरसाइज 7.2 है, परम्यूटेशन एक्सरसाइज 7.3 है और कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.4 है। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टू और मोर डिफरेंट टास्क को एक दूसरे से कंबाइन करने का काम करता है, और जब हम कंबाइन करते हैं तो दो चीजें करते हैं, या तो प्लस करते हैं यानी कि एडिशन करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टू बेसिक ऑपरेटर पर वर्क करता है, चाहो तो आप एडिशन कर लो, चाहो तो आप मल्टीप्लीकेशन कर लो। अब एडिशन कब करना है, मल्टीप्लीकेशन कब करना है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जी, फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं और मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। फर्स्ट केस के अंदर मैंने कुछ इस तरह से डाटा लिया कि आपके पास 3 जीन्स हैं और 3 जीन्स के साथ आपके पास टोटल 2 शर्ट्स हैं, ठीक है जी। आपके पास 3 जीन्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। मान लेते हैं जीन्स के नाम है J1, J2 और J3, और आपके पास शर्ट्स के नाम है S1 एंड S2, ओके। अब आपको इनको पेयर बनाना है, आपको ड्रेसअप होना है। ड्रेसअप होने के लिए आपको जीन्स और शर्ट दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो आप ड्रेसअप कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि आप जीन्स 1 के साथ शर्ट 1 पहन लो, आप ड्रेसअप कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि आप जीन्स 1 के साथ शर्ट 2 पहन लो, या फिर ड्रेसअप आप कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि आप जीन्स 2 के साथ शर्ट 1 पहनो, या फिर आप हो सकता है कि जीन्स 2 के साथ शर्ट 2 पहनो, या फिर कुछ इस तरह से हो सकता है कि आप जीन्स 3 के साथ शर्ट 1 पहनो, या फिर हो सकता है कि आप जीन्स 3 के साथ शर्ट 2 पहनो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, देखो हमें इनको काउंट करना है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हैं उनको काउंट करके बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं आपके पास, यहाँ पर टोटल 6 वेज है, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं आपके पास, टोटल 6 वेज है। एक तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया। फिर देखिए केस नंबर टू कुछ इस तरह से कंसिडर करते हैं कि इवनिंग का टाइम है, शाम का टाइम है और आपको बहुत तेजी से भूख लग रही है। आपने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी हमें कुछ खाने के लिए दो, हमें बहुत तेजी से भूख लग रही है। तो आपकी मम्मी ने कहा, देख बेटा या देख बेटी, अभी तो हम आपको नूडल्स बना के दे सकते हैं जो एकदम जल्दी से बन जाते हैं। तो आपकी मम्मी ने कहा कि बताओ आप क्या खाओगे, मैगी खाओगे या फिर पास्ता खाओगे। मैगी पास्ता दोनों नूडल्स हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। या फिर आपकी मम्मी ने कहा अगर आपको नूडल्स नहीं खाने तो आप थोड़ा हेल्दी फूड खा लो, अगर आपको नूडल्स नहीं खाने तो आप थोड़ा हेल्दी फूड खा लो, और हेल्दी फूड के लिए आपके पास टोटल 3 ऑप्शन दे दिए। या तो आप राजमा राइस खा लो, या तो आप छोले राइस खा लो, या फिर आप राजमा के साथ चपाती खा लो, ठीक है। राजमा राइस खा लो, छोले राइस खा लो, या राजमा के साथ चपाती खा लो। और नूडल्स के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन दे दिए गए आपको कि आप मैगी खा लो या पास्ता खा लो। तो हमें बताना है कि आप अपना पेट किस तरह से भर सकते हैं, आप अपनी भूख किस तरह से शांत कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है, देखो अगर आप मैगी खाओगे तब भी आपका पेट भर जाएगा, अगर आप पास्ता खाओगे तब भी आपका पेट भर जाएगा, अगर आप राजमा राइस खाओगे तब भी आपका पेट भर जाएगा, अगर आप छोले राइस खाओगे तब भी आपका पेट भर जाएगा, और अगर आप राजमा चपाती खाओगे तब भी आपका पेट फिलअप हो जाएगा, आपकी भूख शांत हो जाएगी। तो सेकंड केस के अंदर आपके पास टोटल कितने वेज हैं, आपके पास टोटल 5 वेज हैं, ठीक है जी। आपके पास टोटल 5 वेज हैं, आप इन 5 वेज में से किसी भी एक का चुनाव करो और अपनी भूख को शांत कर लो। अब केस 1 और केस 2 के अंदर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो केस 2 के अंदर हमने एडिशन का यूज करा, केस 2 के अंदर हमने एडिशन का यूज करा। हमारे पास 2 नूडल्स थे, 2 टाइप के डिफरेंट नूडल्स थे, और 3 टाइप के हमारे पास हेल्दी फूड थे। तो हमने दोनों को प्लस करके क्या लिख दिया, टोटल 5 वेज है। फर्स्ट वाले केस के अंदर हमारे पास 3 जीन्स थी और 2 शर्ट थी, हमें ड्रेसअप होना था। ड्रेसअप होने के लिए हमने टोटल 6 वेज बनाए थे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि 3 जीन्स को मल्टीप्लाई कर दो 2 शर्ट से, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 वेज। यानी कि फर्स्ट केस के अंदर हमने यूज करा था मल्टीप्लीकेशन का। दोनों ही केसेस के अंदर हमने करी तो काउंटिंग है, लेकिन सेकंड केस के अंदर हमने प्लस करके काउंट करा, और फर्स्ट वाले केस के अंदर हमने यहाँ पे डिफरेंट केसेस बनाए। डिफरेंट केसेस को ऐड करने के बाद यहाँ पे 6 आया,
या फिर हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लीकेशन का यूज करके प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमने 6 वेज फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब आप मल्टीप्लाई करेंगे और कब आप प्लस करेंगे। देखिए, अगर आपका टास्क कंप्लीट हो जाए, केस नंबर 2 के अंदर आपका टास्क था अपनी भूख को शांत करना, तो आप सिर्फ मैगी खाकर भी अपनी भूख को शांत कर पा रहे थे, आप राजमा राइस खाकर भी अपनी भूख को शांत कर पा रहे थे। तो अगर आपका फर्स्ट टाइम के अंदर ही टास्क कंप्लीट हो जाता है तो आप उसके अंदर प्लस का यूज करेंगे, और फर्स्ट वाले केस के अंदर आप अगर सिर्फ जीन्स को सिलेक्ट करते तो विदाउट सिलेक्शन ऑफ शर्ट आप ड्रेसअप नहीं हो पाते। तो आपका जो फर्स्ट केस के अंदर टास्क था वो ड्रेसअप होने का था, ड्रेसअप होने के लिए आपको दो छोटे छोटे टास्क करने थे, आपको जीन्स को भी सिलेक्ट करना था, आपको शर्ट को भी सिलेक्ट करना था। तो अगर आप फर्स्ट केस के अंदर सिर्फ जीन्स को सिलेक्ट कर लेते तो आपका टास्क इनकम्प्लीट रहता, आपका टास्क था ड्रेसअप होने का। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम के अंदर ही टास्क कंप्लीट हो गया तो आप एडिशन कर दो, जैसे कि केस नंबर 2 के अंदर हमने करा, और अगर आपका फर्स्ट टाइम के अंदर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो आप मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने केस नंबर 1 में करा। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आपका टास्क पूरा हो गया है, फर्स्ट टाइम ऑफ सिलेक्शन के अंदर ही आपका टास्क कंप्लीट हो गया तो आप एडिशन कर दो, अगर आपका फर्स्ट टाइम ऑफ सिलेक्शन के अंदर टास्क इनकम्प्लीट है, जैसे कि केस नंबर 1 में था, केस नंबर 1 में फर्स्ट टाइम सिलेक्शन था जीन्स का, सिर्फ जीन्स को सिलेक्ट करने से आप ड्रेसअप नहीं हो जाओगे, पूरा कंप्लीट ड्रेसअप होने के लिए आपको शर्ट का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो जीन्स के साथ शर्ट का होना कंपलसरी है, तो दोनों को जब ज्वाइंट करोगे तो मल्टीप्लीकेशन का यूज कर लो। केस नंबर 2 के अंदर क्या था, केस नंबर 2 के अंदर हमने आपको चॉइसेस दी थी, मैगी खा लो, पास्ता खा लो, राजमा राइस खा लो, जो भी खा लो, जो भी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा था, उस हर एक आइटम को चूज करने पर आपका टास्क कंप्लीट हो रहा था, आप अपनी भूख को शांत कर पा रहे थे, तो उसके अंदर हमने एडिशन करा था। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, ये छोटा सा कंसेप्ट था। आइए अब क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये है जो हमारा टास्क है वो 3 डिजिट नंबर बनाने का है, और वो 3 डिजिट नंबर कैसे बनाने हैं, आपको 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का यूज करके बनाने हैं। क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स दिए गए हैं, सबसे पहला पार्ट है अगर आप डिजिट्स को रिपीट कर पाओ, और सेकंड पार्ट है आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर पाओ। तो देखिए, जब भी हम 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो हमें उसके अंदर टोटल 3 प्लेसेस को फिल करना होता है। सबसे पहला प्लेस होता है वंस प्लेस, उसके बाद टेंस प्लेस, और उसके बाद 100 प्लेस। हमें वंस, टेंस और 100 प्लेस की डिजिट्स को फिल करना होता है, तब हमारा जाके 3 डिजिट नंबर बनता है, यानी कि जो हमारा टास्क है वो वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस के ऊपर नंबर ऑफ डिजिट्स को फिल करने का है। अब देखो मेरी बात को आप ध्यान से सुनो, हमें यूज करना है 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का, और इसका फर्स्ट वाला पार्ट कहता है रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, आप रिपीटिशन कर सकते हैं। तो देखो, मैं इसके सॉल्यूशन के लिए आपको इस तरह से बताना चाहूंगा। मान लेते हैं हमें यहाँ पे 3 बॉक्सेस फिल करने हैं, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस, हमें इस तरह से 3 बॉक्सेस फिल करने हैं। ये 3 बॉक्सेस वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं वंस प्लेस की बात करूं तो आप मुझे बताओ वंस प्लेस के ऊपर आप कितने नंबर ऑफ डिजिट्स को फिल कर सकते हो। तो वंस प्लेस के ऊपर फिल करने के लिए हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल मिलाकर 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो वंस प्लेस के ऊपर हम यहाँ पे लिख देंगे 5, टोटल नंबर ऑफ वेज हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टेंस प्लेस की डिजिट की, तो टेंस प्लेस की डिजिट को फिल करने के लिए जैसे कि फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 1 को यहाँ पर फिल करा है तो ये वाला 1 दोबारा से यहाँ पर फिल हो सकता है, अगर आपने 2 को यहाँ पर फिल करा है तो 2 भी यहाँ पर दोबारा से फिल हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जो टेंस प्लेस की डिजिट है इसके अंदर हम दोबारा से 1, 2, 3, 4 एंड 5 को फिल कर सकते हैं। तो टेंस प्लेस की डिजिट को फिल करने के लिए भी हमारे पास टोटल 5 नंबर ऑफ वेज हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे टेंस प्लेस के बॉक्स पे 5। इसी तरह मेरे दोस्तों, जो थर्ड बॉक्स है यानी कि 100 प्लेस की डिजिट को जो बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए भी हम टोटल 5 डिजिट्स को दोबारा से फिल कर सकते हैं। तो 100 प्लेस के बॉक्स के लिए भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हैं 1, 2, 3,
फोर एंड फाइव, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फाइव। अब मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बताया है कि अगर आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो आप वहां पे प्लस का यूज करेंगे, और अगर आपका टास्क इनकम्प्लीट रहता है तो आप उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे जब तक आपका टास्क कंप्लीट ना हो जाए। तो मुझे आप ये बताओ, क्या आप जब इस स्टेप पे थे तो क्या आपका टास्क कंप्लीट हुआ था? आपका आंसर है नहीं हुआ था, क्योंकि सिर्फ 100 प्लेस की डिजिट को फिल करने से 3 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा। तो टास्क इनकम्प्लीट है, टास्क इनकम्प्लीट है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 125, यानी कि 1 2 3 4 5 डिजिट का यूज करके हम टोटल 125 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह अब आप यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। अगर मेरे दोस्तों आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना दो। ये है 100 प्लेस का, ये है 10th प्लेस का, और ये है 1th प्लेस का। ठीक है, 1th प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो 1th प्लेस पे टोटल कितने नंबर ऑफ चॉइसेस हैं आपके पास? तो 1th प्लेस के लिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, तो यहाँ पर आएगा 5। मान लेते हैं मेरे दोस्तों आपने यहाँ पे इस 1 को फिल कर दिया, तो डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब जो 1 1th प्लेस पे आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो 1 को यहाँ से हटा दो, रिमेनिंग यहाँ पे लिखो 2 3 4 और 5। 2 3 4 5 इन टोटलिटी 4 है। तो 10th प्लेस की डिजिट को फिल करने के लिए आपके पास 4 चॉइसेस हैं। मान लेते हैं आपने यहाँ पर इस 2 को फिल कर दिया, आपने यहाँ पर 2 को फिल कर दिया, तो नेक्स्ट 100 प्लेस के बॉक्स पे फिल करने के लिए हमारे पास टोटल 3 डिजिट बची। कौन कौन सी बची? 3 4 और 5 बची। तो टोटल इन टोटलिटी अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 3 नंबर ऑफ वेज हैं। इस पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन का। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई, और इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो हमारे पास टोटल 63 डिजिट नंबर बनेंगे अगर हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते, और अगर हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं तो टोटल 125 3 डिजिट नंबर बनेंगे। देखिए प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर होता क्या है, आपको जस्ट नॉर्मल काउंटिंग करनी होती है, कितने नंबर ऑफ टोटल चॉइसेस हैं आपके पास। ठीक है जी, और अगर एक चॉइस को फिल करने के बाद आपका काम पूरा हो जाता है, आपका टास्क कंप्लीटेड है, तो आप वहां पे प्लस का यूज कर दें। अगर आपका टास्क इनकम्प्लीटेड है, जैसे कि 1th प्लेस के बाद आपको 10th पे जाना पड़ेगा, फिर 10th के बाद 100 पे जाना पड़ेगा, तो ये टास्क जब तक 100 पे ना चले जाए तब तक इनकम्प्लीट रहेगा। तो 100 तक आने में आपको मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है। इतना सा ही ये चैप्टर है, इतनी सी ही एक्सरसाइज 7.1 है। आइए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक वर्ड लिख के दिया गया है इवन नंबर। हमें 3 डिजिट तो बनाने हैं, लेकिन कैसे नंबर बनाने हैं? इवन नंबर बनाने हैं। और आप किन डिजिट्स का यूज कर सकते हैं? तो आप 1 2 3 4 5 6 का यूज कर सकते हैं। उसके बाद भी एक कंडीशन लिखी है कि डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, डिजिट्स आपस में रिपीट हो सकती हैं। तो देखो 3 डिजिट नंबर बनाना है तो आप यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना दो। ये है 100 प्लेस का बॉक्स, ये है आपके पास 10th प्लेस का बॉक्स, और ये है आपके पास 1th प्लेस का बॉक्स। ठीक है जी, अब हमें पता है अगर हमें इवन नंबर बनाना है तो ये 1th प्लेस का जो बॉक्स है इसके अंदर हमें ऐसे नंबर रखने पड़ेंगे जो 2 से डिविजिबल हो, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर 1 रखूंगा तो वो इवन नहीं होगा, अगर मैं इसके अंदर 3 पुट करूंगा तब भी वो इवन नहीं होगा, और इसी तरह अगर मैं 5 पुट करूंगा तब भी वो इवन नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन इवन नंबर की डिमांड कर रहा है, तो इवन नंबर लाने के लिए आपको ऐसी चॉइसेस फिल करनी है जो 2 से डिविजिबल हो। तो हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है उस डेटा के अंदर एक तो 2 2 से डिविजिबल है, एक 4 2 से डिविजिबल है, और एक 6 2 से डिविजिबल है। यानी कि 1th प्लेस की डिजिट पे हमारे पास टोटल 3 चॉइसेस हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। इसके बाद हम जब 10th प्लेस पे जाएंगे तो 10th प्लेस पे इवन नंबर को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती, हम 10th प्लेस के ऊपर कुछ भी रख सकते हैं। देखो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे 1 2 रखो, चाहे आप यहाँ पे 22 रखो, तो ये 1 वाला यहाँ पे 10th प्लेस पे ओड है, तो लेकिन टोटल मिला के तो इवन है।
इसी तरह 22 में 10th प्लेस का जो ये 2 है ये इवन है, लेकिन इन टोटलिटी ये इवन ही नंबर है, तो इवन नंबर किससे डिसाइड होता है? इवन नंबर 1th प्लेस की डिजिट से डिसाइड होता है। 10th प्लेस या 100th प्लेस पे क्या है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम बात करें 10th प्लेस की डिजिट पे, तो देखो क्वेश्चन कह रहा था डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं। अगर आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो तो आप यहाँ पे 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो। तो इन टोटलिटी हमारे पास 10th प्लेस को फिल करने के लिए टोटल 6 नंबर ऑफ वेज हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। इसी तरह अगर मैं 100th प्लेस की बात करूँ तो क्वेश्चन कह रहा है डिजिट्स को रिपीट कर दो, तो अगर डिजिट्स रिपीट हो सकती है तो ये 1 भी यहाँ पर आ सकता है, 2 भी यहाँ पर आ सकता है, 3 भी यहाँ पर आ सकता है, इसी तरह 4, 5, 6 भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 108। तो हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है 108। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, जस्ट आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो फिलअप करना होता है, हमें जो नंबर ऑफ चॉइसेस फिल करनी होती है वो आपको ध्यान से काउंट करना है, ठीक है। आइए करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ मैनी फोर लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। यानी कि हमें टोटल 4 बॉक्सेस को फिल करना है, तो मैं यहाँ पे पहले बना देता हूँ। ये है फर्स्ट बॉक्स, ये है सेकंड बॉक्स, ये है थर्ड बॉक्स और ये है फोर्थ बॉक्स। और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग जब तक 4 प्लेसेस को फिल नहीं कर दिया जाए तब तक टास्क इनकम्प्लीट रहेगा, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन कह रहा है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, एक भी लेटर रिपीट नहीं कर सकते और आपको टोटल 10 लेटर्स का यूज करना है। तो हमारे पास इस फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए 10 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे आएगा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 10 है। आपने जो भी लेटर यहाँ पे फिल करा, मान लेते हैं आपने ए यहाँ पर फिल कर दिया, तो ए अब आगे रिपीट नहीं होगा, तो आप इसको यहाँ से एक नंबर कम करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 9 लेटर्स हैं, 9 लेटर्स अगर यहाँ पर हैं तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस भी हमारे पास 9 है। मान लेते हैं आपने यहाँ पर बी फिल कर दिया, तो बी दोबारा से फिल नहीं होगा, तो 9 में से एक नंबर और कम कर दो, आपके पास थर्ड बॉक्स के लिए 8 लेटर्स बचेंगे। 8 लेटर्स जब आपके पास बचेंगे तो आपके पास टोटल 8 ही चॉइसेस हैं कि आप थर्ड बॉक्स में 8 चॉइसेस फिल कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने थर्ड में सी फिल कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे सी फिल कर दिया, तो 8 में से एक लेटर हमने यहाँ पे फिल कर दिया, तो जब आगे जाएंगे तो हमारे पास टोटल 7 लेटर्स बचेंगे। तो लास्ट वाले बॉक्स के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है? 7 है। तो 10 × 9 × 8 × 7 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 5040। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर आया है 5040। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन कह रहा था 4 लेटर का कोड बनाओ 10 इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करके। तो हमने सबसे पहले प्लेस पे 10 रखा, 10 में से एक माइनस करा 9 आया, 9 में से एक माइनस करा 8 आया, 8 में से एक माइनस करा 7 आया, चारों को मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 5040। आइए करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाइए 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स का यूज करके, जो नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए और इनमें से एक भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 डिजिट को फिल करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है फर्स्ट डिजिट, ये है अपने पास सेकेंड डिजिट, इसी तरह थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट और फाइव डिजिट। अब तक आप ये बात समझ चुके हैं कि हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई का यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर है वो 67 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आपको 6 फिल करना है और यहाँ पर आपको 7 फिल करना है। ये मस्ट कंडीशन है कि नंबर आपका 6 से ही स्टार्ट होना चाहिए। आप यहाँ पर 8 नहीं रख सकते, आप यहाँ पे 9 नहीं रख सकते, बल्कि 8 और 9 को छोड़ के कुछ भी नहीं रख सकते, सिर्फ यहाँ पे 6 ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे 6 रहेगा दोस्तों, तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर ऑफ चॉइस है। इसी तरह सेकंड डिजिट में आपको 7 ही फिल करना है, 7 के अलावा आप कुछ भी फिल नहीं करोगे, तो आपके पास यहाँ पर 1 नंबर ऑफ चॉइस है। हमने यहाँ पर 6 को फिल कर दिया, यहाँ पर हमने 7 को फिल कर दिया, हमारे पास अब रिमेनिंग कितने बचे? देखो 0 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है।
सिक्स हमने फिल कर दिया, सेवन हमने फिल कर दिया, यहाँ पे एट बचा हुआ है और नाइन बचा हुआ है। अगर हम इन टोटलिटी देखें तो अपने पास अब ये टोटल एट चॉइसेस है। हम इन एट चॉइसेस में से कोई भी एक नंबर थर्ड नंबर पे रख सकते हैं। तो हमने मान लेते हैं यहाँ पे हमने जीरो फिल कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस तो हमारे पास एट थे, ठीक है भाई। टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास एट थे और उन एट में से हमने जीरो फिल कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे जीरो फिल कर दिया तो इसके नेक्स्ट पे जाने के लिए मैं जीरो को दोबारा फिल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक भी डिजिट को दोबारा रिपीट नहीं करोगे। तो आप यहाँ पे जीरो को दोबारा रिपीट नहीं करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सॉरी सिक्स नहीं आएगा, सिक्स पहले फिल हो चुका है। यहाँ पे फिर आएगा आपका एट और नाइन, तो टोटल आपके पास ये सेवन डिजिट्स हैं और यहाँ पर आपके पास इसी तरह सिक्स डिजिट्स बचेंगी। मान लेते हैं यहाँ पे हमने वन फिल कर दिया, तो यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव और एट और नाइन, तो टोटल सिक्स डिजिट। तो अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एट सेवन जा 56, 56 को सिक्स से मल्टीप्लाई करना है, सिक्स सिक्स जा 36, थ्री कैरी चला गया, सिक्स फाइव जा 30 और थ्री 33, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 336। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आपने एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करा और आपने हर आउटकम को रिकॉर्ड करा, तो बताइए कितने पॉसिबल आउटकम बनाए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी में सीखा भी हुआ है, एक बार दोबारा से देखते हैं कैसे करते थे हम। देखो हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस करा, हमने जब कॉइन को पहली बार टॉस करा होगा, देखो मैं यहाँ पे थ्री प्लेसेस पहले बना देता हूँ, फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है और ये थर्ड बॉक्स है। हमें इन बॉक्सेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फिल करनी है। तो मैंने जब पहली बार टॉस करा होगा तो मेरे पास हेड और टेल आया होगा, जब मैंने सेकंड बार टॉस करा होगा दोबारा मेरे पास हेड और टेल आया होगा, और जब मैंने थर्ड टाइम टॉस करा होगा तब भी मेरे पास हेड और टेल आया होगा। तो टोटल मिलाकर कितनी चॉइसेस हैं, ये दो हैं। यहाँ पर टोटल मिलाकर कितनी चॉइसेस हैं, दो हैं। और यहाँ पर टोटल मिलाकर कितनी चॉइसेस हैं, दो हैं। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई का यूज करना है, तो टू इंटू टू इंटू टू करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी एट। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आ गया है एट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हमें 5 फ्लैग दे रखे हैं जिनके डिफरेंट कलर्स हैं, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, हमें डिफरेंट सिग्नल जनरेट करना है। इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, एक सिग्नल के अंदर आपको 2 फ्लैग का यूज करना है, और किस तरह से यूज करना है, वन बिलो द अदर, यानी कि एक के नीचे एक आएगा। तो देखो यहाँ पे फ्लैग का जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये फ्लैग नंबर 1 और ये फ्लैग नंबर 2। अगर हमने ऊपर मान लेते हैं रेड वाला कलर ले रखा है, तो इसके नीचे वाले में कौन सा कलर आएगा, कोई दूसरा कलर आएगा, मान लेते हैं ये ऑरेंज वाला कलर आएगा। तो हमें इस तरह से डिफरेंट सिग्नल जनरेट करने हैं, ठीक है भाई। टोटल हमारे पास 5 है, तो देखो मान लेते हैं जो मैंने यहाँ पे रेड कलर फिल करा है, इसको फिल करने के लिए हमारे पास टोटल 5 फ्लैग थे। अब 5 फ्लैग में से मैंने रेड को वहां पे फिल कर दिया, तो जो रिमेनिंग बचेंगे वो यहाँ पे सेकंड वाले पे फिल होंगे। तो एक रेड कलर मैंने ऊपर फिल कर दिया, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 4 फ्लैग बचेंगे, ठीक है भाई। कितने फ्लैग बचेंगे, 4 फ्लैग बचेंगे। जो अभी तक हम इस तरह से बॉक्सेस में करते आ रहे थे वो हमें वहां पर अब फ्लैग के साथ करना है, वर्टिकल करना है। ये जो हमने अभी तक कैलकुलेशन करी थी ये हॉरिजॉन्टल थी, तो आप वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर लो। फर्स्ट बॉक्स को यानी कि फर्स्ट सिग्नल, इस सिग्नल को बनाने के लिए फर्स्ट फ्लैग में आपके पास 5 चॉइसेस हैं। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास टोटल 4 फ्लैग हैं, यानी कि 4 चॉइसेस हैं। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि टास्क को कंप्लीट करने के लिए मल्टीप्लाई करो, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर बनेगा 20। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम 20 डिफरेंट सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर 7.2 एक्सरसाइज कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।